यूपी के कासगंज में आयकर विभाग की टीम ने तंबाकू कारोबारियों के घर और गोदाम पर छापेमारी की। ये छापेमारी लगभग पिछले 53 घंटों से लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। दरअसल बुधवार सुबह 6 बजे इनकम टैक्स की टीम कासगंज जनपद के पटियाली कस्बे में पहुंची थी। यहां टीम ने पटियाली के दो बड़े तंबाकू कारोबारी रसूल अहमद और रहीस अहमद की गोदाम, फैक्ट्री और घरों पर छापेमारी की। शुक्रवार को लगभग 53 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं इनकम टैक्स अधिकारी अभी मीडिया के सामने कुछ बताने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है, उससे लग रहा है कि कोई बड़ा खुलासा इनकम टैक्स की टीम कर सकती है। इनकम टैक्स के छापे के तार पंजाब से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ ट्रांसपोर्टर और अन्य व्यवसायियों को भी इनकम टैक्स की टीम ने पूछताछ के लिए उठाया है। आपको बता दें कि कासगंज का पटियाली कस्बा तंबाकू उत्पादक का बड़ा गढ़ कहा जाता है। यहां पर तंबाकू का करोड़ों का कारोबार होता है। तंबाकू प्रोसेसिंग का पटियाली बड़ा केंद्र है। तंबाकू उत्पादक के लिए पटियाली व्यापारियों के लिए कितना मुफीद है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के रहने वाले बड़े तंबाकू कारोबारी ने भी पटियाली में अपना उद्योग स्थापित कर रखा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।